फ्रेंड पूनम किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं मेथी का ठेपला बना रही हूँ और देख सकते हैं आप, मैंने मेथी को पहले से कट करके रख लिया है, धो के साफ करके। उसमें मैं इस खाने वाले चम्मच से 4 चम्मच चावल डाल रही हूँ पका हुआ, दोपहर का भी बचा रहेगा चलेगा। और देख सकते हैं आप, मैं पहले से हरी मिर्ची अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार करके रखी हूँ। आप अपने हिसाब से तीखा कितना चाहिए उस हिसाब से डाल सकते हैं। ये मैंने जीरे को पहले से भून के पाउडर रखा, उसका 2 चम्मच इस चम्मच से 2 चम्मच है। मैंने एक बड़ा प्याज काट के बारीक बारीक रख लिया इसमें डालने के लिए। आप देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने इमली का पल्प इस चम्मच से 4 चम्मच डाला है। और ये 100 ग्राम दही है, इसमें इसको डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर ज़्यादा खट्टी है तो आप कम भी कर सकते हैं, अगर अच्छी है तो आप मीठी दही है तो आप 100 ग्राम डाल दीजिए। और मैं थोड़ा सा तीखा मीठा टेस्ट मुझे चाहिए, इसके लिए आप देख सकते हैं फ्रेंड मैं इसमें गुड़ डाल रही हूँ। फ्रेंड स्वाद अनुसार है, इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। देख सकते हैं लाल मिर्ची पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। फ्रेंड मैं इसमें आटे का डो तैयार करने के लिए आप देख सकते हैं इस चम्मच से 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। अगर आप देसी घी यूज़ करना चाहें तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। इसको एक साथ में सब मैं मिक्स कर लूँगी हाथ से मसल कर, क्योंकि इसमें मैंने पका हुआ चावल यूज़ किया है, उसको आप हाथ से मसल देंगे तो उसमें मिक्स हो जाएगा। फ्रेंड आप देख रहे हैं मैं इसमें आटा डाल रही हूँ से 2 प्लेट। इसका डो रेडी कर लेंगे अभी कि फ्रेंड मेरा आटा का डो रेडी हो गया है। अब मैं आपको पराठे बना के दिखाती हूँ। देख सकते हैं, देखिए मेथी का ठेपला बनके तैयार हो गया है। ये तो ग्रीन चटनी या दही के साथ भी खा सकते हैं। फ्रेंड मेरा पराठा पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा।